Good morning, first standard. Do you know this picture is drawn for you? And you have the same picture in your book. Which book? Pearl's book. You have to open this book because we are going to study science. Class first. Now standard first. And subject is science. From your book of Pearl's. So quickly have this book in your hands, students. ये बुक आपको जल्दी से लेकर आना है क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग लेसन्स है वो हमको पढ़ना है ना. और मम्मी पापा के साथ बैठना है क्योंकि अभी पढ़ाई कैसे हो रही है स्टूडेंट्स, आप मेरे सामने है ही नहीं, मैं कैमरा के सामने पढ़ा रही हूँ, है ना. तो आपको समझ में आने के लिए आपको घर में गाइडलाइंस करना जरूरी है. अगर पप्पा मम्मी समझाएंगे, वो आपके साथ बैठेंगे, तो बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई रन होगी. तो पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को थोड़ा समय दें ताकि उनकी स्टडी जो है वो आगे बढ़े, क्योंकि स्टडी बढ़ना बहुत ज़रूरी है. बच्चे पढ़े बगैर कैसे आगे बढ़ेंगे, पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, है ना. तो पहला लेसन जो है बच्चों का वो है वहाँ पर एक गेट स्टार्टेड जैसी एक्टिविटी दी हुई है जहाँ पर फेस का आउटलाइन ड्रॉ किया हुआ है. वहाँ पर बच्चों को आईज, नोज, माउथ और हेयर ड्रॉ करना है, ठीक है. और इसके पहले के पेज में मैंने साइंस का सेक्शन ओपन किया हुआ है पर्ल्स बुक में. पेज नंबर है ये 162-63, ठीक है. साइंस कहाँ पर है, पेज नंबर 62 एंड 63. तो यहाँ पर पहले आपको अपनी इन्फॉर्मेशन लेनी है और पहले अपना एक प्यारा सा फोटो यहाँ पर चिपकाना है. दिस इज मी, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, अपना फोटो वहाँ पर चिपकाना है फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को. और फिर अपना नाम लिखना है, जैसे आपका नाम जो भी है, सपोज आपका नाम रुद्र है, देन माय नेम इज रुद्र, आई एम 6 years old, आई एम इन क्लास फर्स्ट, आई लाइक टू ईट, जो भी आपको पसंद है, आई लाइक टू ईट बनानास, फ्रूट्स और स्वीट्स. आई लाइक द कलर, कौन सा कलर आपको पसंद है, आई लाइक ग्रीन कलर और ब्लू और पिंक, व्हाटएवर. आई लाइक टू, मतलब आपको क्या पसंद है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्रॉइंग, प्लेइंग, ये सब पसंद है. सो यू कैन राइट आई लाइक टू सिंग, आई लाइक टू डांस, आई लाइक टू ड्रॉ, आई लाइक टू प्ले. ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो पिक्चर है ये आपके लेसन की स्टार्टिंग में है. हमारी जो बॉडी है ना, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं. ओके, कितने पार्ट्स हैं, कई हैं. तो कुछ हम जो देखेंगे, जो सामने हमारे जो आउटर पार्ट्स है उनको आज हम देखेंगे. जैसे ये क्या है आपके, व्हाट आर दीज स्टूडेंट्स, आई, दिस इज आई. Then this is nose. Then this neck. Neck means gargan. Nose means naak. Then ये क्या है, elbow. Then ये क्या है, arm means भुजा, बाह, हाथ, ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये क्या है, eye, ये है eye, है ना. आप जब छोटे रहते हैं हम बोलते शो मी योर आई, अब क्या आप क्या बताओ, फिर आप छोटे सी उंगली से अपनी आंखों की तरफ इशारा करते हो. सो दिस इज योर आई. ये क्या है, नोज, नोज जिससे हम श्वास लेते हैं, अच्छी खुशबू आती है तो गहरी श्वास लेते हैं, गंदी आती है तो नाक खोल लेते हैं, बंद कर लेते हैं ना. देन नेक, नेक जो हमारे इधर उधर देखने में हमको हेल्प करती है. देन एल्बो, कोहनी, है ना, ये कोहनी. देन आर्म यानी हाथ, जो हमको बहुत हेल्प करता है काम करने में, लिखने पढ़ने में. फिर ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, स्टमक, STOMACH, स्टमक यानी होता है पेट, ठीक है. फिर ये क्या है, दिस, ये जो है, ये है चेस्ट, चेस्ट मींस छाती, ठीक है. देन ये जो है
ये है थम। थम मीन्स कैपिटल में लिखना है थम, THUMB, थम मीन्स अंगूठा, ठीक है। देन ये आपके ये क्या है फिंगर्स, फिंगर्स FINGERS, फिंगर्स। देन उसके बाद है ये जो है वो हैंड, HANDY, ठीक है। उसके बाद ये लेग है इज इट इज लैग। देन लैग में एक पोर्शन है यहाँ पर ऐसा उभरा हुआ ये है नी, नी मीन्स घुटना। ओके देन ये है टोज, ये क्या है टोज मीन्स पैर की उंगलियां, TOES टोज। और ये क्या है हमारा फूट, FOOT, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये हमारे मेन बॉडी पार्ट्स है, आउटर बॉडी पार्ट्स जो हमको याद करना है, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ये पिक्चर देख लेते हैं। एक छोटे से बॉय का पिक्चर है, जैसे कि आपकी वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के छोटे बच्चे है ना। तो दीज आर योर आईज, आई मीन्स आंखें, नोज, नोज, देन दिस इज नेक, दिस एल्बो, एल्बो मीन्स कोनी, दिस आर्म, आर्म मीन्स हाथ या बाव, भुजा, ये घुटने, ये जो है घुटना है हमारा इसको नी बोलेंगे, और नीचे जो पाव है वो है फुट, ठीक है। पाव की उंगलियां टोज, लेग दिस पोर्शन ऑफ अवर बॉडी पार्ट इज लेग, लेग हमको क्या करता है खड़े रहने में, चलने में, दौड़ने में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, हम लेग के भरोसे ही खड़े रहते हैं ना। देन स्टमक, हमारा स्टमक हंगरी होता है तो हमको खाना खाना नहीं पड़ता है ना, स्टमक स्ट्राइक करता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, दुखने लगता है, अपसेट हो जाता है, तो अपने स्टमक का हमको ध्यान रखना है, हाथ धोकर ही खाना खाना है और अच्छी हेल्दी चीज़ें खाना है, ज़्यादा तला भुना नहीं खाना है ना। फिर ये चेस्ट है, चेस्ट यानी छाती, जब हम श्वास देते हैं तो ऊपर नीचे होती है ना, व्हेन वी ब्रीथ द चेस्ट गोज अप एंड डाउन। और ये हमारा हैंड है, हैंड से हम कोई भी वर्क करते हैं, वी कैन कैच थिंग्स, मैंने ये पेन पकड़ा है अपने हाथ से, देन फिंगर्स है, फिंगर्स सपोर्ट करते हैं चीज़ों को पकड़ने में, बनाने में, ठीक है। फिंगर और ये जो थंब है इसकी सहायता से इंसान जो है कोई भी वस्तु को बना सकता है, इसीलिए तो इंसानों ने इतनी सारी चीज़ें बनाई है ना, क्योंकि हमारे हाथ, हमारे फिंगर्स, हमारे थंब्स बहुत क्रिएटिव है ना, और ये थंब है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बॉडी पार्ट्स लर्न करने हैं, कैसे लर्न करेंगे आप स्टूडेंट्स, E-Y-E-I, ये आपको पहले से याद हुआ है ना, E-Y-E-I, N-O-S-E, nose, N-O-S-E, nose, N-E-C-K, neck, N-E-C-K, neck, E-L-B-O-W, elbow, E-L-B-O-W, elbow, A-R-M, arm, A-R-M, arm, K-N-E-E, knee, K-N-E-E, and this foot, foot that help us to walk, F-O-O-T, foot, then T-H-U-M-B, thumb, this thumb, T-H-U-M-B, thumb, F-I-N-G-E-R-S, fingers, F-I-N-G-E-R-S, fingers, H-A-N-D, hand, C-H-E-S-T, chest, C-H-E-S-T, chest, H-A-N-D, hand, S-T-O, appendix, stomach,
STOMACH star mug. LEG lad, LEG this lad. है ना? And toes means fingers of, मतलब पाव की उंगलियों को हम कहते हैं toes. कितनी है आपके पाव में उंगलियां? 10 है ना? 10, 5 year, 10. Okay. So आपको क्या करना है? ये words बार-बार बोलना है और learn करना है. यही आज का आपका homework होगा. आपको मम्मी पापा के पास बैठना है और ये क्लियर क्लियर आपको उसका व्यू आपको फोन पे दिखाएंगे और आपको फिर ये सारे वर्ड्स लर्न करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो राइट द होमवर्क नाउ. आप डायरी में भी होमवर्क लिख सकते हैं. बाद में अगर पापा ऑफिस चले गए और फोन नहीं रहा घर में तो आप कैसे करेंगे, है ना? बुक तो आपके पास है ही, तो आप होमवर्क डायरी में लिख सकते हैं. व्हाट इज द होमवर्क? होमवर्क इज लर्न एंड राइट the names of body parts in your science copy. Which copy you will write these? In your science copy. Okay students, so you must do this homework. ये आपको जरूर जरूर करना है. होमवर्क को neglect नहीं करना है. पढ़ाई शुरू करनी है वापस से. और ये जब आप स्कूल आएंगे तो मैं आपसे ओरल भी लूंगी इसका और आपको ये पिक्चर दिखाकर सारे बॉडी पार्ट्स के नाम पूछूंगी. ठीक है, तो ये वर्क करके रखना. बाय.